हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का यह वीडियो जो आप एक अजूबा पौधा समझ सकते हैं या जो तेजपात का पत्ता बोलते हैं, जो हम लोग बाज़ार में से लाते हैं तेजपात का पत्ता, जो चाय पीते हैं बना करके घर में, और सब्जियों मसालों में जो डालते हैं हम लोग तेजपात का पत्ता, देखे होंगे आप लोग, तो उसका पौधा हमने लगाया था एक डेढ़ साल पहले। तो वो जो बड़ा हो गया है, अब उसमें क्या होता है कि जब पत्ता बड़ा होता है तो उसको पत्ता को तोड़ा जाता है। देखिए, यही पौधा है वो जो हमने लगाया था, इसको डेढ़ साल पहले लगाया था। अब ये बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत फैला है अच्छा से। इसको क्या होता है कि जो पत्ता हो जाता है, ये इस पत्ते को तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ करके धूप में सुखाते हैं, वही जो तेजपात का पत्ता सब्जियों मसालों में जो पीस करके डाला जाता है, और जो चाय पीते हैं डेली हम लोग, तो वो वाला वही यही पत्ता होता है वो। और ये देखिए, दीपक जी हैं, ये बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ये भी, और इनको हमने भी पढ़ाया था 2-3 सालों से। तो ये वीडियो शूट करेंगे, हम पत्ता तोड़ेंगे, इनको लेकर आया यहाँ पे, तो देखिए कैसा पत्ता होता है उसका। ये देखिए जो एकदम लालहा रहा है, ये तेजपात का पत्ता का पौधा है। तो तेजपात देखिए, ये दिख रहे हैं। अब ये नया नया पौधा भी, पत्ता भी निकल रहा है इसमें से, क्योंकि इसको पत्ता को मतलब पहले ही हमको तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश या मतलब इतना काम होने की वजह से इस पत्ता को तोड़ा नहीं जा सका। अब इस पत्ता को तोड़ रहे हम लोग, जो पहले का पत्ता है उसको तोड़ेंगे, जो नया नया पत्ता ले रहा है, ये सब नया नया ले रहा है, इसको नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब तोड़ करके इसमें रखा जाएगा और इसको धूप में सुखाया जाएगा। ये देखिए, दीपक जी तोड़ रहे हैं पत्ता को, तोड़ तोड़ कर इसमें रख रहे हैं, हम भी तोड़ रहे हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा फर गया है इसे कि पत्ता मतलब हो गया है कि अकेले तोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम दो लोग मिलकर तोड़ रहे हैं पत्ता को। उसके बाद इसको धूप में सुखाया जाएगा। ये दीपक है, पहचानिए इनको, देखिए दीपक जी दीपक जी है, और हम भी लोग मिलकर तोड़ रहे हैं पत्ता को। देखिए दोस्तों, ये जो पुराना पुराना पत्ता हो गया है, मतलब कि जो बहुत दिनों से हो गया है, ये पत्ता टाइट हो गया है, इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। जो नया नया पौधा जिसमें पत्ता निकल रहा है, इसको रहने देंगे अभी, क्योंकि ये जो है नया नया, बाद में कुछ दिनों के बाद, जैसे कि 6 महीना 2 महीना के बाद जो होगा वो तो फिर टाइट हो जाएगा, उसको फिर बाद में तोड़ा जाएगा। अभी जो पहले का पुराना पुराना पत्ता है, क्योंकि ये जब सूखेगा तो ये टाइट टाइट पत्ता हो जाएगा, इसको फिर हम लोग चाहे जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं, या जो चाय बनाते हैं हम लोग चाय में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अगर चाहेंगे तो अपने यहाँ पौधा लगा सकते हैं घर पे, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, जहाँ पौधा मिलता है नर्सरी में। जो हम भी इसको लाए थे 1.5 साल पहले, इसको 150 में लाए थे खरीद करके, बहुत छोटा था इतना था, और ये 2 साल लगता है कि 1.5 साल हुआ है, लगभग 1.5 साल लगभग हुआ है, लगभग 1.5 साल में इतना बहुत ज़्यादा फर गया है। तो इस प्रकार से मतलब मिट्टी का ऊपर है, जैसे मिट्टी बढ़िया है आपका घर में तो अच्छा विकास करता है पौधा, ख़राब मिट्टी हो जाता है तो धीरे धीरे विकास करता है। तो मिट्टी जो नया भरा गया था हम लोगों को, जो होता है खेत में का मिट्टी, उसमें लाया गया था, वही मिट्टी गिराया गया था इसमें। उसके बाद हम लोग क्या किए, लाकर पौधा लगा दिए, और लगा दिए तो बहुत अच्छा से विकास कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका भी द्वार है, कहीं घर है, जगह है मिट्टी का, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें तोड़ के रखे हैं हम पत्ता को, और जो तोड़ेंगे सब पत्ता को तोड़ा जाएगा इसमें, तोड़ने के बाद देखेंगे कि पत्ता। तो अब हम लोगों ने जो तेजपात का पुराना पत्ता था उसको तोड़ लिया हमने, तोड़ करके अब इसमें देखिए भर लिए हैं पूरा, एक डाली पूरा हो गया है। और इस बरसात जब आएगा, मौसम होगा बरसात का, तो इसको जो डहनिया है इसको टहनी को काट देंगे, एक आध डहनी जो लंबा सीधा जा रहा है उसको छोड़ देंगे, ताकि वो बड़ा होकर के थोड़ा ऊंचाई पे चला जाए, ताकि कोई जानवर जैसे बकरी गाय कोई आकर इसको पत्ते को ना खाए। और इस प्रकार जब इस तरह जब अमरूद का पेड़ देख रहे हैं, ये बड़ा अमरूद का पेड़ हो गया है, ऐसा हो जाएगा छोटे छोटे जानवर जो है, जैसे बकरी हो गई गाय हो गया, आएगा तो मतलब खा नहीं पाएगा पत्ता को, और पत्ता इसका सेफ्टी से बच जाएगा।
इस प्रकार से दोस्तों अजूबा नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ हम लोग को नहीं ज़्यादा दिखाया जाता तो हम लोग अजूबा नाम से जानते हैं कि क्या है ये, क्या है ये। लेकिन अब तो ज़्यादा हर मतलब गांव घरों में ये सब पौधा होने लगा है, लेकिन पहले मतलब था कि बहुत कम जगह पे तेजपात का पत्ता देखने को मिलता था, और आजकल तो बहुत लोग लगा रहे हैं। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नया होता है तो अजूबा लगता है, अजूबा नहीं है क्योंकि ये तो बहुत जगह है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।